तो हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला। ये खितौली का धर्मशाला है, ये दूसरा बस स्टैंड, सेकेंड बस स्टैंड इसको बोला जाता है। और आज जाने वाले हम गोवा बीच। एक खेतौली में है जो गोवा बीच है, वो वाला गोवा नहीं है जो आप समझ लीजिए वो बम्बई के पास में है, वो वाला गोवा नहीं है, ये गोवा बीच है। और ये चंदिया रोड है, तो हम दिखाएंगे आज आपको गोवा बीच। और ऐसे चलते चलते हैं, आज जा रहा हूँ इधर तुम बिजरा होकर की वीडियो बनाओ फोर्ट की, तो हम वीडियो बनाएंगे बिजरा होकर की, लेकिन थोड़ी सी रूप बोलते हैं इसको ठाकुर बंगला, वो तो ये ठाकुर बंगला है। और इधर ज़्यादा घर है नहीं, लगभग यही इधर की जनसंख्या भी लिखी है इधर, तो आपको बताएंगे जनसंख्या, ग्राम ठाकुर बंगला, जनसंख्या 980 है इधर। हम पहुंच चुके हैं करचलिया, देख सकते हैं यहां से 500 मीटर दूर है। हम करचलिया गांव पहुंच चुके हैं, यहां से 500 मीटर दूर है वो, जिस प्लेस में हम आपको ले जाना चाहते हैं वहाँ का नाम है गोवा बीच। यहाँ से अब 200 मीटर बचा है, समथिंग फाइनली हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो। और थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ मैं भी, बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए। तो ये चालू हो जाती है वो जगह, ये उमलार में हम 2 मिनट के लिए रुक लेते हैं और यहाँ का पहले तो नज़ारा दिखाते हैं, बहुत सुंदर नज़ारा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उमलार नदी है ये, और यहाँ की रेत खनन हो चुकी है, नहीं तो यहाँ पे रेत बहुत भंडार था। और इधर हम थोड़ी दूर इधर जाके दिखाएंगे, पहले तो हम गोवा बीच जा रहे हैं। लिखा है वनों को आग से बचाएं, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है दोस्तों कि हम अगर वनों के बीच में रहते हैं तो वनों की रक्षा हम करें, हमारी रक्षा वन तो करते ही हैं, ऑक्सीजन देते हैं फ्री में, कौन ऐसा होता है दोस्तों बताइए। लेकिन प्रकृति जो हमारी है वो बहुत हमारे लिए कुछ करती है, हम उसके लिए बहुत कम कुछ करते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि दूसरे लोग वनों में आग न लगाएं, और कहीं अगर आग लगी मिलती है तो उसको बुझाने की कोशिश करें दोस्तों। देख सकते हैं फाइनली हम पहुंच चुके हैं गोवा बीच रिसोर्ट, तो यहां से इसकी एंट्री है। गेट तो हालांकि बहुत पुराना लग रहा है, फिर भी इसके अंदर का नज़ारा बहुत सुंदर है। ये देख सकते हैं पूरा जंगल जंगल है, और ये गोवा बीच रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा नज़ारा दिखाने को मिले हमको। तो देख सकते हैं सिद्ध महाराज का स्थान भी है, और उनको नमन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे हम। चप्पल दूर से चप्पल पहने हो। ये गोवा बीच रिसोर्ट जो है वो खितौली के करचलिया गांव में स्थित है, खितौली के अंतर्गत आता है करचलिया। तो ये मेरे कैमरामैन बता रहे थे कि यहां से बहुत दूर है, तो हम बाइक में ही जा रहे हैं अंदर। इसके अंदर बहुत दूर जो रिसोर्ट बना हुआ है गोवा बीच का, तो हम बाइक से जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे आगे। तो सोच रहे हैं कि जल्दी पहुँच जाएँगे, तो आप देखते चलिए। नज़ारा बहुत सुंदर है, प्यारा है, इधर चारों तरफ दिखाएंगे थोड़ा सा। ये पहुंच गए हम, पास ही असली तो है, बाइक वाइक खड़ी है दोस्तों, लगता है इधर कोई रहते हैं। तो
ये हम फाइनली पहुंच गए हैं रिसोर्ट, और इसके आगे जाके देखेंगे क्या है इस रिसोर्ट में। चलो एंट्री गेट में चलते हैं अंदर की ओर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं रिसोर्ट, इसी को बोलते हैं गोवा बीच रिसोर्ट, लेकिन ये भी रिसोर्ट है, हम बीच अलग से दिखाएंगे। तो एंट्री मारते हैं, इसके अंदर देखते हैं कहाँ क्या 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 सुविधाएं हैं। तो देख सकते हैं बड़ा सा डीजी है, सबसे पहले लाइट वाइट की व्यवस्था तो शायद इधर नहीं होगी, इसलिए शायद स्वयं के लिए जनरेटर रखे हुए हैं। और यहाँ पे एक कमरा बना हुआ है, ये काय के लिए है, ये लगता है गेस्ट रूम है, गेस्टों के लिए है। तो अभी लगता है फिलहाल बन रहा है, चालू हो रहा है। फिर चलते हैं और दूसरी साइड, यहाँ पे कुछ कुआं टाइप का बना है, ये पता नहीं क्या है, देखते हैं इसको। ये भी एक हाल ही है, ये कमरा है बढ़िया गोलाकार का, जो अच्छा लग रहा है देखने में। और चलते हैं आगे की ओर, एक कमरा यहाँ भी है और एक कमरा यहाँ भी है, जो कि ऐसे कमरे तीन कमरे हैं। और इसके बैक साइड में भी देखते हैं क्या है। और ये पुराने जमाने की, यहाँ देख सकते हैं ये पुराने जमाने की कंडील, इसको जो लालटेन बोलते हैं कई जगह, लेकिन हमारे गांव देहात की भाषा में इसको कंडील भी बोलते हैं। तो देख सकते हैं बहुत सारी कंडील हैं, जिसे लालटेन भी बोलते हैं। और दिखाते हैं स्विमिंग पूल, यहाँ का इस रिसोर्ट का स्विमिंग पूल दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी सुंदर टाइप का बना हुआ है, लेकिन पानी इधर है नहीं, जो कि पानी इधर गर्मी में भरते हैं, तो अच्छा लगता है इधर देखना। बढ़िया इधर पानी होता, बैठ के आनंद लेते, इसका नज़ारा ही कुछ और था। यहाँ शावर की भी सुविधा है, यहाँ पे यहाँ खड़े होके शावर से भी नहा सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये यहाँ से पानी चलता रहता लगता कंटिन्यू, इधर इसलिए बनाया गया है, ये नहाने के लिए नहीं है दोस्तों, एक्चुअली ये यहाँ पे कंटिन्यू चलता रहता होगा, इसमें पानी, इसी का पानी इसी में ऐसा करके, तो उसके लिए बनाया गया है, वहाँ से जो अच्छा दिखे इसलिए इसको बनाया गया है। तो हम फाइनली यहाँ से भी दिख रहा है गोवा बीच, देख सकते हैं वो है जहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते थे। तो शायद कैमरामैन थोड़ी सी देख दिखाइए गोवा बीच को, ये है अपना बीच, इसे बोलते हैं गोवा बीच। ये तो रिसोर्ट है, ये रिसोर्ट है। तो आइए चलते हैं धीरे धीरे करके वहाँ तक भी, आपको वहाँ का भी लोकेशन दिखाएंगे। ये जो गोलाकार का कमरा बना हुआ है, यहाँ तक तो आपको दिखा दिए थे, आप चलते हैं इसके आगे। तो ये यहाँ पे कमरा बना हुआ है, ये पता नहीं काय के लिए है, एक लालटेन, यहाँ दो लालटेन है, ये देखिए लगता है पुराने जमाने का है लालटेन। तो चलते हैं धीरे धीरे, और यहाँ दोस्तों कैमरा भी लगे हैं ऐसा करके, सीसीटीवी कैमरा। ये पुराने जमाने का एक ट्रैक्टर खड़ा है, जो मैसी खड़ा हुआ है, जो उसका पूरा नाम है मैसी फर्ग्यूसन, पता नहीं ये किस सन में बनता था क्या है, लेकिन देखने में तो बहुत पुराना लग रहा है, सन 80 का दशक का लग रहा है ये।
1980 का लगभग ऐसे समझ में तो आ रहा है। तो चलिए दोस्तों और आगे की ओर चलते हैं और दिखाएंगे इधर आपको ये काहे के लिए है। अच्छा यहाँ पे ये बल्ब लगे हैं, बल्ब की सुविधा है यहाँ रात के लिए। हाँ देख सकते हैं ये पूरी जगह लाइटों की सुविधा है। ये इधर लाइट लगे हुए थे तो इस समय तो अभी प्रेजेंट में नहीं लगे हैं बल्ब। तो और चलते हैं आगे की ओर जहाँ पे मचान बना हुआ है, मचान दिखाएंगे फिर इसके बाद दिखाएंगे गोवा बीच। यहाँ पे काम चालू है अभी रिसोर्ट का, अभी कंप्लीट नहीं हुआ पूरी तरह से। चलते हैं मचान की ओर। तो हम पहुंच चुके हैं जिस जगह बोल रहे थे मचान, ये मचान है। अब इधर जाके ऊपर करके दिखाएंगे कि इधर से बीच का नज़ारा कैसे दिखाई देता है। इसी से यहीं से दिखाई देगा दोस्तों गोवा बीच। तो फाइनली इसके ऊपर हम चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो कैमरामैन हमारे पीछे आएंगे और दिखाइए ऊपर आने के बाद। ये देखिए दोस्तों ये है बीच, इसे कहते हैं गोवा बीच। ये है दोस्तों गोवा बीच जो आपको हम दिखाने वाले थे अपनी वीडियो में। यहाँ से पूरा दिखाएंगे, पूरा कवर करेंगे। और यहाँ नदी भी बह रही है ये देखिए। अब हम उधर जाके दिखाएंगे आपको। चलिए चलते हैं गोवा बीच में। इस मचान से उतर के हम बीच की ओर चलेंगे। तो आइए हम आपको गोवा बीच दिखाते हैं। ये खितौली का गोवा बीच यही है। इधर से तो गेट बंद है, हम किनारे से जाने की कोशिश करेंगे। तो आइए बीच की ओर। और इधर की जितनी सुंदर से सुंदर नज़ारा होगा दोस्तों वो कैमरे में कैद करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम पहुंच चुके हैं जिस चीज की जरूरत थी आपको कि गोवा बीच है कहाँ। तो ये देख सकते हैं कि गोवा बीच यही है। और यहाँ पे दोस्तों बैठ के खाना खाने की भी व्यवस्था है पूरी। और ये देख सकते हैं बगल में नदी और ये पूरा नज़ारा जंगल का। ये देख सकते हैं कितना घना जंगल दिख रहा है दोस्तों। और आपको दिखाएंगे आगे की ओर जो इससे और अच्छा नज़ारा है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। हैं दोस्तों एक नज़ारा यहाँ पे बहुत सुंदर दिख रहा है। जो पत्थर की चट्टान है वो इस तरह शेप में कटी है कि नदी की मुड़ाई के हिसाब से बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है यहाँ से देखने में। दिखाइए थोड़ा सा जूम करके उस जगह को। तो हम उधर ही जाने की कोशिश करेंगे दोस्तों उस चट्टान के पास में और वहाँ का लोकेशन आपको पास से दिखाएंगे। यहाँ पर खड़े होने के फोटो खिंचाने के लिए शायद ये बना है, पहले से ही किसी ने बनवाया है। और उधर से लोकेशन इधर का अच्छा आएगा। तो कैमरामैन वहाँ जाइए, आप वहाँ से दिखाइए यहाँ का नज़ारा। हम फोटो खींच सकते हैं और ये देख सकते हैं कि ये भी जगह बहुत अच्छी सुंदर है। तो आइए इसको पास से दिखाओ थोड़ा सा। अरे धीरे धीरे आप प्रभु। ये काफी अच्छी जगह है दोस्तों।
यही सबसे अच्छा लोकेशन रहा, इसी को बोलते हैं खितौली का गोवा बीच। जहाँ पे तो वहाँ से अच्छा लगा, थोड़ी तो कैमरे में दिखा दी। मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ।